हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का जो ब्लॉग है वो काफी ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज हमारे साथ दो चीज होने वाला है। पहला जो चीज है, हम जा रहे हैं अभी टाटा मोटर्स, और जो टाटा मोटर्स जा रहे हैं वो मेरे घर से, यानी कि मेरा जो लोकेशन है भुवनेश्वर में, वहां से हार्डली 5 से 6 किलोमीटर ज्यादा दूर नहीं है। सो टाटा मोटर्स, तृप्ति मोटर्स है उसका नाम, तो तृप्ति शोरूम में चलते हैं और वहां पे जाके पहला जो चीज है वो है हमारा गाड़ी का डिलीवरी, जो कि है टाटा अल्ट्रूस। जो गाड़ी लिए उसका डिलीवरी है, तो उसका ब्लॉग शायद आप पहले ऑलरेडी देख चुके हैं या फिर उसका ब्लॉग इसके बाद पोस्ट करेंगे, फिर इससे पहले पोस्ट करेंगे, वो अभी तक डिसाइड नहीं है। और जो सेकंड चीज है हमारे साथ वो है कि जो टाटा का नेक्सन आया है अभी 2023 मॉडल फेसलिफ्ट, उसका थोड़ा ओवरव्यू मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे मैं बात किया अभी, वो बोले कि टाटा नेक्सन वहां पे रखा हुआ है शोरूम में। तो चलिए चलते हैं, इस वाले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे टाटा नेक्सन के बारे में। और जो अल्ट्रूस वाला जो हमारा ब्लॉग है, इधर वो शायद अभी तक मतलब पोस्ट हो भी चुका होगा, क्योंकि वो मैं सोच रहा हूँ पहले पोस्ट करने के लिए, क्योंकि डिलीवरी है ना, उसका एक्साइटमेंट है। तो चलो फिर वो वाला ब्लॉग अभी करते हैं, कंप्लीट हो गया, ये वाला ब्लॉग अभी स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नया हो, चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छे अच्छे नए नए कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। और वीडियो को एंड तक देखो, अगर अच्छा लग रहा है लाइक करो यार, आप लाइक नहीं कर रहे वीडियो को, लाइक करो अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, नीचे कमेंट करो। तो चलो चलते हैं टाटा नेक्सन 2023 मॉडल फेसलिफ्ट टॉप मॉडल जो है उसको आज देखते हैं, और उसका थोड़ा आपको इनसाइट्स देते हैं गाड़ी के बारे में। चलो आज का ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो फाइनल अभी हम पहुंच चुके हैं कि तृप्ति मोटर्स, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये है पात्रापाड़ा तृप्ति मोटर्स। अगर आप आ रहे हो भुवनेश्वर में, आपको गाड़ी देखना है टाटा का, आप डेफिनेटली यहाँ पे आ सकते हो। इनके पास अपना खुद का स्टॉक यार्ड है, जो कि पूरे ऑल ओवर भुवनेश्वर में जो भी गाड़ी डिलीवर होते हैं वो सारे गाड़ी यहाँ पे आते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं डिलीवरी के लिए। सो ये तृप्ति मोटर्स से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको वेराइटीज़ मिल जाएंगे गाड़ी का, हर कलर, हर मॉडल, हर चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे गाड़ी का। सो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, देन सबसे पहले जो आपको चीज़ मिलेगा देखने के लिए वो है गाड़ी और गाड़ी और गाड़ी। हाँ, आपको यहाँ पे बहुत सारे गाड़ी मिलेंगे, आपको मतलब शोरूम के अंदर भी शोपीस के लिए गाड़ी है, शोरूम के बाहर आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे गाड़ी यहाँ पे मतलब रखा हुआ है। और मोस्ट ऑफ द गाड़ी यहाँ पे मतलब सजावट के लिए या फिर आप बोल सकते हैं डिलीवरी के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। हमारा जो गाड़ी है वो है सामने, जो कि डिलीवरी के लिए रेडी हो चुका है, तो उसके पास हम बाद में जाएंगे, बट पहले अभी चलते हैं अपना आज का जो ब्लॉग है उसको कंप्लीट करते हैं। 80 मोते डिलीवरी जोन एटा एटा में भी हम गाड़ी मतलब। सो फाइनली हम आके पहुंच चुके हैं टाटा नेक्सन के पास, और मतलब गाड़ी को देख के जो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन था ना, वो था कि वाओ क्या गाड़ी है। मतलब जो ये स्पेशली ये जो कलर निकाला है, आप देखो कितना ज़्यादा ग्लेज कलर है ये कलर, जो कि प्योर पर्पल कलर में गाड़ी। आई थिंक ये शायद इंडिया का वन ऑफ द रेयरेस्ट गाड़ी होगा जहाँ पे कि आपको पर्पल कलर मिलता है देखने के लिए, और ये टाटा भी शायद पहली बार ही निकाल रहा है इस कलर का गाड़ी। इससे पहले टाटा का कोई भी पर्पल कलर में कोई भी गाड़ी नहीं था, ये पहला गाड़ी है टाटा का जो पर्पल कलर में आया है। और ये जो अभी मतलब टाटा ने जो अभी नेक्सन का फेसलिफ्ट वाला वर्सन निकाला है 2023 मॉडल, इसमें मतलब बहुत सारे चेंजेस किया है जो आप प्रीवियस मॉडल है टाटा का, और उसके साथ आप कंपेयर करना चाहते हो तो सबसे पहला जो आपको मतलब चेंजेस है वो जो दिखेगा वो है कि इसका जो आपका स्टीयरिंग है, आप देख सकते हैं स्टीयरिंग यहाँ पे कम्प्लीट चेंज कर दिया है, पूरा नया कंसेप्ट का या नया थीम का यहाँ पे स्टीयरिंग दिया है। और दोनों साइड में उसका जो मतलब ट्रायंगल शेप में रहता है स्टीयरिंग, तीन वहाँ पे हैंडल है, यहाँ पे ओनली दो है, वो भी पूरा फ्लैट हो के कंप्लीट आपको यहाँ पे विजिबिलिटी मिलेगा सारे चीज़ का। उसके साथ ही यहाँ पे जो नेक्स्ट चेंजेस है वो है कि इसका जो आपको इन्फोमेंट जो सिस्टम है, इन्फोटेनमेंट सिस्टम, तो उसको जो टाटा का आता था पहले 7 इंच का आता था, अभी उसको वो मतलब इंक्रीज करके 11 इंच का कर दिया है, जो कि मतलब काफ़ी बड़ा आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें मिल जाएगा। थर्ड इसमें जो चेंजेस किया है वो है इसका जो डिस्प्ले होता है, आप देख सकते हैं जो इसका डिस्प्ले है वो कंप्लीट न्यू डिज़ाइन इसका डिस्प्ले किया है, जो कि उसके साथ आपको जो पुराना वाला डिस्प्ले उसमें आपको बहुत कम चीज़ मिलती थी, या फिर आप बोल सकते हो डिजिटल ज़्यादा नहीं था, इसमें आपको कंप्लीट डिजिटली आपको डिस्प्ले कर दिया है, और उसमें सारे चीज़ आपको गाड़ी का जो कलर है जो पर्पल कलर उसके साथ ही थीम के साथ आपको मिलेगा। और इसका जो इंटीरियर है, जो आप सीट ये इसका ले लो, जो इसका सीट मिला है वो भी पूरा गाड़ी के थीम के साथ ही आपको मिल रहा है, जो कि हीरो कलर है इस गाड़ी का, तो उसके साथ। और भाई जो इसका मतलब मैं जब इसको टच करके देखा ना, तो इतना ज़्यादा सॉफ्ट है इसका सीट, तो क्या ही बोले, मतलब अगर आप लॉन्ग टूरिंग करें उस गाड़ी में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, मतलब इसमें लॉन्ग टूरिंग करने के लिए।
और इसमें आपको और एक चीज़ मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है, वो है कि आपको इसमें 6 एयरबैग्स मिलता है। टाटा का ये पहला गाड़ी है जिसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलता है। इससे पहले जो भी गाड़ी आती थी उसमें आपको 2 एयरबैग्स होते हैं, भले ही वो आपको ग्लोबल एनकैप रेटिंग या इंडियन एनकैप रेटिंग में आपको टॉप में आता है, 5-स्टार रेटिंग रहता है सेफ्टी के लिए, बट 6 एयरबैग आपको पहली बार मिल रहा है। और बाकी इसमें वही सारे फीचर्स है जो पुराने नेक्सन में थे, इसका वही सारे कम्फर्ट मिलता है जो आपको पुराने नेक्सन में थे। और उसके साथ इसमें बहुत सारे आउटसाइड में चेंजेस किया गया है, वो मैं आपको आउटसाइड जब जाके वहाँ पे दिखाऊंगा, बट अभी इंटीरियर इसका दिखा देता हूँ। इसका जो रियर आपको एसी वेंट भी मिल जाता है, उसके साथ ही आपको आर्मरेस्ट मिलता है, और आर्मरेस्ट में आपको 2 कॉफ़ी होल्डर मिलता है, या फिर आप बोल सकते हो कि 2 आपको मतलब होल्डर मिलता है जहाँ पर आप कॉफ़ी मग हो गया, कोई भी चीज़ वहाँ पर आप रख सकते हो। और जी हाँ, ये आपको सनरूफ के साथ ही आता है, सनरूफ में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। जो पुराना मॉडल था उसका जो सनरूफ का साइज़ था, इसमें भी आपको सेम साइज़ का सनरूफ मिलता है, सो उसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं किया गया है। जो कि अगर थोड़ा सा सनरूफ का साइज़ बड़ा कर देते देन आई थिंक मे बी बेटर होता, कि जो कि अभी किया का जो फेसलिफ्ट आया है सेल्टॉस में, उसमें आपको जैसे मतलब सनरूफ का साइज़ इंक्रीज़ किया, इसमें भी अगर करता देन मे बी बेटर होता। बट भाई पीछे बैठ के जो सबसे मज़ा आ रहा है ना, वो आ रहा है कि इसका जो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिला है उसमें देखने के लिए। क्योंकि पहले क्या होता था, जो भी मतलब इससे पहले जो नेक्सन था उसमें आपको जब आप बैक गियर करते थे तभी आपको पीछे वाला आपको मतलब कैमरा ऑन होता था, या फिर आपको फ्रंट पार्किंग में भी कैमरा मिलता था, बट अभी इसमें आपको कंप्लीट 360 कैमरा दिया गया है। और इसका जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे राइट साइड में जो दिख रहा है उसमें आपको विजिबिलिटी मिल जाएगी कि आपका गाड़ी का लोकेशन क्या है। टॉप व्यू से आपको मतलब आप बोल सकते हैं आपको ऊपर वाले व्यू से सैटेलाइट व्यू टाइप का मिल जाएगा गाड़ी का लोकेशन क्या है, आपके लेफ्ट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या है, फ्रंट एंड बैक साइड दोनों साइड से, सॉरी चारों साइड से आपको उसका व्यू मिल जाएगा। जो कि आपको अगर आप कहीं पे छोटा टर्निंग ले रहे हैं या फिर आपको कहीं पे गाड़ी फंस गया निकलना है वहाँ से, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा वो चीज़। और आप देख पा रहे हैं ये जो इसका नीचे वाला जो पोर्शन क्या है, वो मतलब जहाँ पे आपका एसी का कंट्रोल या फिर पूरा गाड़ी का कंट्रोल रहता है, वो पहले थोड़ा सा उसका मतलब डिज़ाइन डिफरेंट था, अभी उसका डिज़ाइन पूरा चेंज कर दिया जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। और उसी के साथ ही यहाँ पे जैसे पहले था कि ड्राइवर सीट के पास आप कि या फिर आपको फ्रंट लाइन में भी आपको आर्मरेस्ट मिलता था, और उसके नीचे आपको बहुत सारा मतलब कैपेसिटी मिल जाता है, बहुत सारे सामान वगैरह रखने के लिए आपको स्टोरेज मिल जाता है। यहाँ पे भी सिमिलर है, आपको वो स्टोरेज यहाँ पे भी मिलता है, उसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं किया गया है अभी तक। उसके साथ ही आपको अभी इस बार जो नेक्स्ट अपडेट आया वो है कि आपको फ्रंट में भी सेंसर मिल जाता है, जो कि आप गाड़ी अगर फ्रंट में पार्किंग के लिए जा रहे हैं, आगे आपका कोई भी मतलब ऑब्स्टेकल जाता है सो वहाँ पर आपको गाड़ी इंडिकेट करेगी कि आगे कोई एक ऑब्स्टेकल है, जो कि आपको ज़्यादा मतलब बेटर हो जाएगा पार्किंग के लिए, आपके गाड़ी में सेफ्टी बढ़ जाएगा। और इसी के साथ ही पीछे भी आपको कैमरा दिया गया है, वो तो पहले भी था, बट भाई इसका जो अभी मतलब कनेक्टेड DRL दिया गया है ना पीछे, वाओ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और सामने भी इसका आप देख पा रहे हो यहाँ पे पूरा इसका कनेक्टेड मतलब DRL दिया गया है। इस बार जो भी लाइटिंग है वो आपको कंप्लीट DRL मिलता है, हैलोजन इस बार कुछ भी नहीं है आपको, जो कि लास्ट टाइम आपको हैलोजन मिलता था इस बार DRL है। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी इसका एक कैमरा दिया गया है, दोनों साइड जो मिरर है वहाँ पे आपको कैमरा मिलता है जो कि 360 कैमरा में आपको हेल्पफुल होता है। तो फाइनली हमारा आज का दोनों काम कंप्लीट हो गया, एक तो जो था कि हमारा गाड़ी का डिलीवरी वो भी हो गया, तो आपको अभी तक उसका वीडियो भी मिल गया होगा, तो आप नीचे देख के बिल्कुल कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा गाड़ी का कलर, गाड़ी कैसा लगा आपको। और जो दूसरा जो वीडियो, ये वीडियो जिसके बारे में जो कि है आपको नेक्सन का ओवरव्यू देना था, वो भी आपको मिल गया होगा अभी तक, तो नीचे कमेंट करके डेफिनेटली बताओ कि नेक्सन देख के आपको इंटरेस्ट हुआ कि नहीं। क्योंकि भाई पर्सनली बोलूँ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लगा नेक्सन, अभी जो फेसलिफ्ट वाला वर्सन निकाला है काफ़ी ज़्यादा यूनिक फीचर्स उसमें दे दिए जो कि पुराने वाले नेक्सन में नहीं थे, बट इस बार का जो नेक्सन आया उसमें मतलब ज़मीन आसमान का डिफरेंस है उसमें। तो आप कमेंट करके बताओ कि आपका कैसा लगा नेक्सन, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। Till then, ride safe, be safe, Tata, bye bye, and as always, hasta la vista.